एक तरफ सदन में बहसें चल रही हैं तो दूसरी तरफ सड़क पर अपनी मांगों को लेकर लोगों का तांता लगा हुआ है। दरअसल जिला प्रशासन ने धरना स्थल वैसी जगह निर्धारित कर दिया जहां पहले वीरानी छाई हुई थी, आज वो मेले का रूप ले रहा है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि विधानसभा सत्र का आयोजन और हड़तालियों का आना उनके लिए एक मौका जैसा रहता है। कैसे देखिए इस रिपोर्ट में। कौन कहता है सरकार ने विकास नहीं किया, सरकार ने बखूबी विकास किया है। तस्वीरें कभी वीरान पड़े पुंदाक साई मंदिर के पास धरना स्थल की हैं, जहां मेला लगा हुआ है और मेला ऐसा जैसे कि झारखंड में जतरा लगता है। एक तरफ कई हड़ताली अपने प्रदर्शन को लेकर धरना स्थल पहुंचते हैं, वहीं गर्मी की चिलचिलाती धूप उन्हें कुछ न कुछ खरीदने के लिए मजबूर कर देती है। खास बात यह है कि इससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, कम से कम सरकार से वो जरूर खुश हैं। बिकता है उधर में भीड़ भड़ाका में दिक्कत होता है, कहीं इधर हटाओ उधर हटाओ, इसके चलते नहीं कहा, ये तो खाली मैदान है तो यहाँ से कहाँ हटाया जाए। हम लोग का तो दुकान तो कहीं तो चलबे करेगा भाई, हम लोग को तो कैसे कमाना ही है, खाना है तो फिर टेंशन का चीज लेना है, बताइए। वही इस मेले में अपने जीविकोपार्जन चला रहे कई दुकानदारों का कहना है कि विधानसभा सत्र का आयोजन और हड़तालियों का आना उनके लिए मौका जैसा रहता है। ऐसे में जहां वो बिरसा चौक में दुकान लगाया करते थे, अब हड़तालियों को देखते हुए यहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि इनकी मांगों को सरकार सुने। शायद गरीब का दर्द गरीब ही समझ पाता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन सच ये भी है कि गरीब का पेट भी गरीब ही भर रहा है। थैंक यू नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि इन लोग का जो भी मांगे पूरी कर दे, लोग इतना दूर से आए हैं, हम लोग तो लगाए करते हैं वहाँ विधानसभा के आगे, वहाँ भीड़ भाड़ नहीं था इसलिए भीड़ वहाँ से यहाँ चला है। तो सरकार को इसी के लिए थैंक यू बोल दीजिए। हाँ थैंक यू, विकास कर गया सरकार। हाँ विकास करता तो इतना भीड़ भाड़ थोड़ी होता, अपना पब्लिक भी तो भूखा मर रहा है, यहाँ तो कुछ खाने पीने वाला व्यवस्था नहीं है, पब्लिक भूखा मर रहा है। हाँ तो भूखा नहीं मरेगा, पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा है। तो आप लोग तो फ्री में नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग तो पैसे नहीं ले रहे हैं है? तो पैसे के थ्रू उसने सेवा हो रहा है। बहरहाल धरना देकर सरकार उनकी मांगे माने या ना माने, लेकिन ऐसे में कई बेरोजगारों का रोजगार जरूर चल पड़ा है। रांची से सहयोगी मंटू के साथ न्यूज 11 भारत के लिए आयुष चौहान की रिपोर्ट।